अगर रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएंगे, अच्छी से अच्छी तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, तभी रीढ़ की हड्डी खड़ी हो सके ना। वैसे तो पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। कोरोना का वो चल रहा है ना, कोई हमारी सेफ्टी किट नहीं है, कोई हमारी वो नहीं कर दे, बीमार हो जाए कहाँ है, क्या बात है, बीमार कुछ नहीं है। हमारा कोरोना नहीं हो सकता, डॉक्टर का ही कोरोना हो सके। हमारे 24 घंटे की ड्यूटी है, बीमार बच्चा उसको भी टाइम नहीं दे पाते हम। मेरा नाम निशा, हमारा आंदोलन 7 तारीख से चल रहा है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, सरकार ये कहती है आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को क्रोध देंगे, कितने दिन तक रीढ़ की हड्डी ऐसी खड़ी रहेगी। अगर रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाएंगे, अच्छी से अच्छी तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, तभी रीढ़ की हड्डी खड़ी हो सके ना। वैसे तो पूरा ढांचा ही गिर जाएगा शरीर का, सही है ना। 4000 में क्या करेगा, 4000 है वो फिक्स होकर दिए हमारे 4000, वो भी हमारे ना बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आ रहे हैं। कभी 2 महीने में आ रहे, 3 महीने में आ रहे, ये बताओ कभी 1000 डाल दी, कभी 2000 डाल दी, उसमें परिवार चलता है। वो भी कट कट के आते हैं, कहते हैं इस चीज के कट गए, उस चीज के कट, किस चीज के कट गए। सरकार हमारे फिक्स क्यों नहीं कर दे, 18000 वेतन है हमारा, शुरू से मांग है हमारी 18000 वेतन होना चाहिए, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे जैसे ये कोरोना का वो चल रहा है ना, कोई हमारी सेफ्टी किट नहीं है, कोई हमारी वो नहीं कर दे, बीमार हो जाए कहाँ है, क्या बात है, बीमार कुछ नहीं है। हमारा कोरोना नहीं हो सकता, डॉक्टर का ही कोरोना हो सके। हमारे 24 घंटे की ड्यूटी है, बीमार बच्चा उसको भी टाइम नहीं दे पाते हम, फिर भी 4000 है। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि हमारी मांगे पूरी करो, हम काम कर रहे हैं, हम तय दिन से अपना काम करेंगे, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। रीता सावरकर राणा से। तो किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हो और कब से कर रहे हो और कब तक रहेगा? सर हमारा 7 तारीख से ये प्रदर्शन चल रहा है और आगे 21 तारीख तक है। ये हमारी जो हमें सरकार कुछ नहीं देती है, हमें सिर्फ 4000 मिलता है और हमसे 24 घंटे की ड्यूटी लेती है सरकार। जैसे COVID-19 में जहाँ भी पॉजिटिव केस निकलता है, सबसे पहले वहाँ आशा वर्कर पहुँचती है, कोई भी डॉक्टर या कोई भी वर्कर हाथ नहीं लगाता उसको, पहले हम उसको जाके देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं। सब जगह हमारी ड्यूटियाँ लगा रखी है, जैसे स्कूल में आयरन फोलिक एसिड खिलानी है, जो भी आयरन की गोलियाँ खिलानी है, उसमें भी जो हमारी गाइडलाइन में है ही नहीं, वो काम हमसे सरकार करवा रही है। और जो स्टॉक है वो टाइम पे ना हमारी पेमेंट टाइम पे डालते हैं, जो हमें हमारा 18000 न्यूनतम वेतन लागू करते सरकार, तब तक हम अपना ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। जब से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी मांगों को सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं है? सरकार का कोई अधिकारी हमारे पास हमारा ज्ञापन लेने या हमारी बारे में कोई पूछने नहीं है। भाई तुम्हारा किस लिए तुम ये प्रदर्शन कर रहे हो, किस लिए तुम ये धरना कर रहे हो, 10-11 दिनों से आप बैठे हुए हो, किस वजह से बैठे हो, हमारे पास कोई अधिकारी हमारे पास नहीं है, हमारे बीच नहीं आया। कोशिश तो हमारी जारी है, करेगी सरकार ठीक है, नहीं तो हम अपने जो आंदोलन है हमारा जारी रहेगा, जो हमारी मांगे पूरी होंगी तो ही हम अपने धरने से उठेंगे, प्रदर्शन अपना बंद करेंगे, नहीं तो हमारी मांगे जारी रहेंगी। अच्छा, जो धरना प्रदर्शन है वो आपका बढ़ भी सकता है? हाँ जी सर, बढ़ भी सकता है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर सरकार हमारा मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो हम आगे भी आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हम तो 24 घंटे का जी सैलरी 4000, ये क्या चक्कर है? क्या नाम है? सुमन आशा जी पोपड़े से। मास्टर भी हमारे से रिपोर्ट ले जी, आंगनबाड़ी वर्कर भी हमारे से, NM भी हमारे, सब हमारे से रिपोर्ट। 24 घंटे में हम 3-3, 4-4 रिपोर्ट देते हैं जी, और सैलरी हमारी 4000 रुपये है जी। 4000 रुपये में तो कोई चपरासी भी नहीं लगता ही, और आशा वर्कर 24 घंटे की ड्यूटी, अपने बच्चा ने भी छोटे दिया है जी, गर्दन देगा, कोई सेफ्टी नहीं, एक एक मास्क और वो सैनिटाइजर की छोटी छोटी बोतल पकड़ा दी, वो भी खत्म हो गए हमारे, हमारे पास कुछ नहीं है। डॉक्टरों से कोई ट्रेनिंग वगैरह दी गई थी कि आपको? हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जी किसी डॉक्टर ने किसी भी तरह की, बस हमारे पास फोन आवा इस चीज की रिपोर्ट दे दो, इस की रिपोर्ट दे दो, हम सारा दिन रिपोर्ट दे जी, बड़का तो रोटी भी नहीं खाने का टाइम मिलता हमने। आपने पहले क्यों नहीं इसका विरोध किया? क्यों इसका विरोध कर रहे हैं जी, बहुत दिनों से विरोध कर रहे हैं जी, बहुत दिनों से विरोध हो रहे हैं जी। क्या लगता है सरकार मांगे पूरी करेंगी? कोशिश तो है जी हमारी, सरकार नहीं मानेगी तो हमारा धरना जारी रहेगा जी।
ये आंदोलन कितना आगे बढ़ सकता है? जब तो ये तो सरकार के ऊपर है, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर देगी तो हम धरने से उठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम धरने से तो उठ देंगे। मैडम जी ये अपनी हड़ताल पर हैं और इन्होंने अपना मांग पत्र जो जिसमें इन्होंने लगभग 5 मांगे लिखी हैं पढ़ भी लिया मैंने, और इसको जैसे इनके इनके जो भी प्रधान हैं इनको मैंने कह दिया है कि हम इसको उचित माध्यम से ऊपर सरकार तक भिजवा दें। क्या क्या मांगे हैं सर इनकी? इनकी कुछ न्यूनतम वेतन की मांगे हैं, कुछ इनकी ये है कि हमारे पास सिम दिया है सरकार ने फ्री तो हमारे को फ़ोन दिया जाए, समान वेतन की इसमें इन्होंने एक मांग करी है, कुछ इनका ये है कि हमारे को 4,000 रुपये का इंसेंटिव अलग से दिया जाए, तो ऐसी कुछ मांगे हैं जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हैं। सर जैसे कि ये कहते हैं कि हम ये हमारा काम नहीं, हमारी ड्यूटी नहीं होती, कुछ अलग से भी काम तो बजा था इनके ऊपर आपके साथ साथ रहती है आपके द्वारा? ऐसा है कि जो कुछ पीछे डीसी साहब के आदेश अनुसार कुछ एक सर्वे थे जो कमेटी इन्होंने अर्बन एरिया में किए थे सर्वे, उसके अंदर हमने भी उनके साथ अर्बन एरिया वालों के साथ टाई अप किया था, क्योंकि हमने उनको बताया था कि आशा की सारी एक्टिविटीज़ जितनी हैं उनके लिए उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता ही है, और इनका क्योंकि वेतन फिक्स्ड वेतन पे नहीं लगे हुए तो वो एकदम कोविड के अंदर एक्टिविटी हुई थी, और सिविल सर्जन सर ने डीसी साहब से भी बात करी थी कि सरकार को उसके बारे में लिख दिया जाएगा कि भाई अगर उनसे कुछ हम ऐसा काम करवाते हैं सर्वे का तो उसके लिए उनका अलग से इंसेंटिव आना चाहिए। सर जैसे कोई भी COVID-19 मरीज पाया जाता है वहाँ आशा वर्कर जाती है, उनकी सुरक्षा को लेकर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं? ऐसा है कि मेरे सामने किसी आशा वर्कर ने इस बारे में सवाल नहीं उठाया जी, बाकी सभी आशा वर्कर्स को अपने इनकी ANM के थ्रू फार्मासिस्ट हर 15 दिन में अपनी सप्लाई इनको देता है, और इनको मास्क ग्लव्स सैनिटाइज़र थोड़ा थोड़ा देते हैं, बट इनको इतना सफिशिएंट है कि अगर ये कहीं भी बाहर जाते हैं तो इनको एक्सपोजर का खतरा ना रहे। उसके अलावा हम इनके टेस्ट रेगुलरली करवा रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या हमारी कोई आशा वर्कर कोविड का या सर्वे के दौरान पॉजिटिव तो नहीं। सर्कल 72 सैंपल लिए गए थे, 73 की रिपोर्ट आ चुकी है, और 73 सैंपल की अभी 3 लिस्टें जो आई हैं उसमें हमारा कोई पॉजिटिव केस नहीं है, जो एक अच्छा संकेत है। लोगों को फिर मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो हम सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनने की इतने दिनों से बात कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहें, बिना वजह बाहर ना जाएँ, और सैम्पलिंग में सहयोग दें।